और उसी को इम्प्लीमेंट इन्होंने फर्दर कर दिया, अपने फ्रीडम आ गई पर सिस्टम वही रखा है इन्होंने। आप तो कह रहे हैं कि इन्होंने उसी को अडॉप्ट कर लिया, उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, हम तो इससे एक कदम आगे जा रहे हैं। जब आप इसमें किसी सुधार की बातें करते हैं तो इन दुष्टों की रूहें कांप जाते हैं। वो इस तंत्र को यूज करके अवैध धन तो कमाना चाहते हैं, पोस्टिंग में हो, ट्रांसफर में हो, इंडिविजुअल केस में हो, लेकिन इस तंत्र को अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते। समय पे निर्णय ना लेने के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जो अधिकारी निर्णय लेना था नहीं लिया उसके लिए वो करें। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी मशीनरी में जो अधिकारी बैठे हैं उनका दिमाग तेज चलता है, तो वो उचित निर्णय ले रही, उन्होंने गलत निर्णय लिया और जानकारी के बावजूद भी गलत निर्णय लिया, तो बाद में जो सामने वाले का जो जो तकलीफ हुई है, जो उसका एम्बरेसमेंट हुआ है, जो उसका लॉस हुआ है, उसके प्रोपोर्शनेट उसके ऊपर दंड आरोपित किया जाए। अभी तो इसकी जगह उल्टा है, उसी को सैंक्शनिंग अथॉरिटी बना दी है, वो जो है ना एक पूरा सिस्टम बन गया है कि आप उसका परसेंटेज पहले से ही ले लो, फिर जो है जो कुछ कुछ कंसल्टेटिव वो बन गई हैं कि वो क्वालिटी चेक करेंगी, तो शुरू में तो उन्होंने ठीक काम किया, वो भी शेयर लेने लग गई हैं। तो एक मुझसे ठेकेदार बात कर रहा था, तो वो इरीगेशन का ठेकेदार था, उसने कहा सर ये 40% तो जब ऑर्डर देते हैं तभी ले लेते हैं, तो पहले जो है कंसल्टेशन वाली जो मशीनरी थी जो क्वालिटी वाल्टी कंट्रोल करती थी, बोले कुछ समय तक तो उन्होंने अच्छा काम किया, अब उनको भी शेयर देना पड़ता है। फिर कुछ नेता लोग जो है ना चंदे वंदे इसके नाम से भी पैसे ले लेते हैं। फिर बोला उसने कि सर मेरा भी तो पेट है, मैं अपने बच्चों को भी तो पालना है, तो 8-10% हमें अपनी भी रहना होती है, तो कुल मिला के 30-40% ही जो है ना नीचे खर्च हो रहा है। क्या हमने ऐसा ही तंत्र बनाया था? क्या ये दुष्ट काले अंग्रेज जो है ये अपने ही हित की बात सोचेंगे? क्या ये दुष्ट काले अंग्रेज जो है इन्हें ये तंत्र बहुत अच्छा आ रहा है, इसे कभी अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे? क्या ये काले अंग्रेज, चूंकि क्रिमिनल्स जो है वो आसानी से जीत सकते हैं, लिहाजा उन्हीं को ही टिकट देंगे? PIL लगने के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थना करने के बाद के पार्लियामेंट इसमें कानून बनाए, ये दुष्ट कानून नहीं बनाएंगे क्या? नहीं बनाते सर। ये आज के 2019 के जो पार्लियामेंट है उसमें 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड एज पर देयर ओन एडमिशन, और 29% के खिलाफ तो हत्या, अटेम्प्ट हत्या, किडनैपिंग, रेप जैसे, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हैं। अब यदि सभी व्यक्ति जो है ना अपने हित के ही निर्णय ले रहे हैं, और अपने हित के निर्णय लेने के लिए ये बहुत मोटी खाल के लोग हैं, देखिए बिना किसी उसके ये अपने पर्क बढ़ा लेते हैं, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। अरे किसी दूसरी मशीनरी की सैलरी बढ़ती है तो 10-10 साल उस पर रिसर्च होती है, और उसमें से भी आप बहुत सारी चीजें स्वीकार भी नहीं करते हो, ये जो है ना हाथ उठा के ही अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपने पर्क बढ़ा लेते हैं, और बढ़े हुए पर्क जिनकी आज जरूरत नहीं है, जब आप 200 रुपए में आपको पूरा जो है ना टेलीफोन हो जाता है, उसी में पूरा इंटरनेट हो जाता है, तो ये 10,000 का टेलीफोन का ग्रांट क्यों है आपको? आपको इतने इतने हजार की बिजली का वो क्यों है? तो और कितनी दुष्टता है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स ही व्यवसाय हो गया है, या ऐसे बहुत सारे केस हुए जिसमें कि बाहर जाने पे उसे पूछा गया कि आप काम क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा पॉलिटिक्स। नहीं नहीं पॉलिटिक्स तो ठीक है, काम क्या करते हैं? तो इन्होंने कहा हमारा पॉलिटिक्स ही हमारा काम। कितना दुष्ट लोग देश है ये कि यहाँ पे पॉलिटिक्स ही काम हो गया है। पॉलिटिक्स का ही काम होता है कि आप अपना काम करिए, जब कानून बनाने के समय आते हैं तो जाइए और उसमें कानून बनाने का काम करिए। हर हर नेता का अपना ओरिजिनल काम होना चाहिए, जो नहीं है उसका है ना ओरिजिनल काम। वो ओरिजिनल काम करेगा तो 10 रुपए कमाता है, इसमें जो है ना उसको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और उन करोड़ों रुपए को जो है ना इन्वेस्ट करके फिर करोड़ों रुपए, फिर करोड़ों रुपए, जो कल तक पटिए पे बैठता था वो आज जो है ना हजारों करोड़ का मालिक है। राइट। तो ये तंत्र जो है ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, क्योंकि गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेज बदल दिए गए, उन्होंने वही शोषण तंत्र, और अब तो आगे चल के उन्होंने और भी दिमाग की वो की है। देखिए पहले क्या होता था, इनफॉर्मली जो है ना बसों की व्यवस्था होती थी, होती थी। अभी आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश का कितनी बसें लगाई गई, राइट। उनको जो है ना खाना और पानी पीना की भी व्यवस्था की गई, जिनको बुलाया गया है, भीड़ इकट्ठा की गई है, उनको 500-500 रुपए भी दिए गए हैं। तो पहले कम से कम चाहे इलीगली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कह के जो है ना ये व्यवस्था की जाती थी, अब तो आपके पैसे से लीगली कराई जा रही है।
हम कितने दुष्ट हो गए हैं, ये तंत्र कितना दुष्ट है कि जो है ना इस तरीके की चीजों को अपोज करने की बजाय वो खुद पर अपोज करता है। करता है कि नहीं करता है सर? सिस्टम की ये हाल है, मतलब मैं कभी कभी मैं तो जो मेरे खुद के मामले हैं उसमें ये देख के मैंने कहा, तो मेरे को एक अधिकारी ने कहा कि चंदन जी मैं कुछ चीजों को अदरवाइज ले लेता हूँ, तो मैं खड़ा हुआ वहां पे, मैंने बोला तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए मैं आपकी फिर से बात कर रहा हूँ, उसने बिल्कुल ठीक कहा है, इसीलिए हमने क्राइम फ्री भारत के व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है कि आप किसी से मिलने नहीं जाएंगे। अब अज्यूम करिए कि गौरव चंदा के मेंबर ऑफ द क्राइम फ्री भारत और वो मूछों पर पांव लेके जो है ना चला गया कलेक्टर के पास कि देखो ये ऐसा है। कलेक्टर ने कहा अच्छा तुम साले अपने आप को हीरो समझते हो, बराबर उसने जो है ना अपनी पार्टी भेज के साला कोई ने तुमको झूठा ही फंसा दिया, बराबर तो आपको क्यों जाना है? क्राइम फ्री भारत के पोर्टल के तहत भी तो साक्ष्यों के साथ जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जाओ ना साला, और जो है ना लीगल अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी कंटिन्यू करो और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है वो करेगी। अच्छा ये सब चीजें आपको कोर्ट में भी काम आएंगे, यदि मान लो कोर्ट में मुकदमा चला भी गया किसी झूठा फंसा भी दिया तो दैट विल बी ए बिगेस्ट डिफेंस। और आपकी जुडिशरी बहुत अच्छी है, वो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी। देखिए मैं आ रहा हूँ, दिखा देता हूँ।